अब आपका फ्रेंड, घर वालों की फरमाइश थी कि कुछ मीठा बनाइए आज, और लॉकडाउन में तो बस बैठ के खाना ही है और बाहर से कुछ नहीं ला रहे हैं, तो मीठा बनाइए। तो खोवा बचा हुआ था, जैसे मावा, तो मैं सोची चलो आज लौंग लता बना देती हूँ, बहुत दिन हो गया बनाए। तो उसके लिए मैं खोवा को गर्म कर ली हूँ, और उसके बाद मैं इसमें इलायची पाउडर, ठंडा होने के बाद खोवा को इलायची पाउडर ऐड की हूँ, किशमिश, काजू कट करके और चीनी पिसा हुआ। तो इस मसाला तैयार हो गया है लौंग लता का, और मैं मैदे को मोयम दे के अच्छे से गूँथ ली हूँ, जैसे खुरमा का वो गूँथा जाता है मैदा। तो मैं कभी और दिखा दूँगी, वीडियो में भूल गई थी पूरा शुरू से शूट करने के लिए, उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, मैं इसको चिपका रही हूँ, और ये जो चिपकाने के लिए ली हूँ एक मैदा है और पानी मिक्स कर ली हूँ, इससे जो हमारा ये लौंग लता है अच्छे से चिपक जाएगा, और जो तेल में जाएगा तो खुलेगा नहीं और मसाला बाहर नहीं आएगा, तो उसके लिए अच्छा होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं दोनों तरफ से फोल्ड कर दे रही हूँ, और उसके बाद भी थोड़ा सा इसमें लगा दे रही हूँ चिपकाने के लिए मैदा। और देखिए ये हमारा लौंग लता तैयार हो गया। अब ऊपर में एक लौंग लगा देंगे, लौंग से ही असली फ्लेवर आता है लौंग लता का, तो इसी से जाना जाता है कि लौंग लता है। तो देखिए यहाँ पर तैयार है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना है, किसने किसने खाया है। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल, कोलकाता ब्लॉगर रेनू के चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। और गर्मी है आप लोग के वहाँ की, बारिश हो रही है, यहाँ पर तो बहुत गर्मी हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, और किचन में आने से तो हालत ख़राब हो जाता है, सच में काम करने का मन नहीं करता है, लेकिन करना पड़ता है, क्या करें। तो देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ, आज घर वालों की फरमाइश थी कि कुछ मीठा बनाइए, तो आज मैं लौंग लता बना रही हूँ, और पसंद है सबको, अच्छी लगती है। मैं यहाँ पर किचन में नहीं बनाई थी, वहाँ टीवी वाले रूम में जाकर के बैठ के बनाती हूँ, और उसके बाद में तलना रहता है, तो आके तल रही हूँ खड़ा होके, क्योंकि ज़्यादा देर किचन में गर्मी भी लगता है, और इसको थोड़ा सा बैठ के आराम से बेलना पड़ता है, बेल के फिर इसमें खोवा का मसाला भर के फिर इसको फोल्ड करना रहता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं वहाँ पंखे के नीचे से बैठ कर उसके बाद में उसको सब फोल्ड करके बना के लाई थी लौंग लता, बस यहाँ पर तल रही हूँ और ऐसे ही काम करती हूँ। अगर सब्जी वब्जी काटना रहता है तो मैं वहाँ पर टीवी देखते देखते सब्जी काट कर लेती हूँ, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी है, पंखा नहीं है, तो थोड़ी सी परेशानी होती है। मैं सोच रही एक टेबल फ़ैन मंगा लूँ यहाँ के लिए, क्योंकि खिड़की से भी हवा नहीं आता है, बहुत परेशानी हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं तल रही हूँ, और जो मेरे अभी चैनल में न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी किसी रीजन में अगर अच्छा लगे, आप लोग को पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी करिएगा। मैं आप लोगों के लिए रिक्वेस्टेड वीडियो भी लाती रहूँगी बीच बीच में, और ब्लॉग भी लाऊँगी, तो ब्लॉग को भी आप लोग प्यार दीजिए अपना और सपोर्ट करिए आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग साथ ज़रूर देंगे। तो चलिए काम कर लेती हूँ, और यहाँ पर देखिए मैं एक बार तल के निकाल ली हूँ, और एक खस्ता होता है, उसके बाद जब चाशनी में जाता है तब थोड़ा सा मतलब इसका असली रंग आता है, और गर्मी से परेशान है देखिए। और मैं ऐसे दिखा रही हूँ आप लोग को कि एक तरफ मैं चाशनी बना रही हूँ और एक तरफ मैं लौंग लता को तल रही हूँ,
तो बस ऐसे ही काम होता है। और मैं ये छोटा कढ़ाई रखी हूँ ना, इसमें थोड़ा सा ऑयल था, चिप्स तली थी, तो इसी में मैं ले रही हूँ, क्योंकि बड़ा कढ़ाई फिर रखो दूसरा तेल वाला कढ़ाई करो फिर माँजना पड़ेगा, इसलिए मैं छोटे कढ़ाई में ही अपना तल के निकाल ले रही हूँ लौंग लता। और इधर मैं चाशनी भी हो ही गया है तो इसको मैं ऑफ कर दूंगी अब। तो देखिए यहाँ पर तैयार है, और बच्चे उधर में खेल रहे हैं, और वहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा भी है, उसको भी फोल्ड करूँगी, ये सब काम कर लूँ। बस ऐसे ही काम लगा रहता है और मन भी नहीं लगता है, घर में बैठे बैठे सच में परेशान हो गए हैं एकदम, कहीं जाना ना आना, बस घर में रहो, एकदम मन ऊब गया है। अब तो मन करता है कि सच में कहीं चली जाऊं। तो देखिए ऐसे ही ज़िंदगी बीत रही है अकेलापन लगता है ना, ऐसे फैमिली है बच्चे हैं तो थोड़ा सा मतलब हो जाता है बच्चों के साथ खेलने, और बच्चे भी परेशान हो जाते हैं आजकल। छोटा वाला बोलता है मम्मी खेलो मेरे साथ, लूडो खेलो, सांप सीढ़ी खेलो, बस ला के लगता है खेलने के लिए। तो उन लोग के साथ भी थोड़ा सा मैं खेल लेती हूँ, टाइम उन लोग को भी देना, बच्चों के साथ टाइम बिताना भी अच्छा है, उन लोग का भी मन लगा रहेगा। वो लोग भी तो घर में परेशान है, वैसे स्कूल जाते थे तो वो लोग भी बच्चों के साथ बातें करते थे, खेलते थे, अभी उदास उदास रहते हैं घर में बच्चे भी। और बाहर भी कहीं नहीं ले जा सकते हैं कि घुमा उमा के लाएं थोड़ा सा कहीं से। तो यहाँ पर देखिए मैं इलायची को कूट के और चाशनी में डालूँगी, और इससे टेस्ट अच्छा आएगा थोड़ा सा। तो देखिए मैं इसको कूट रही हूँ, क्योंकि मैं अलग से पीस के रखती हूँ मिक्सचर में, लेकिन अभी इलायची को मैं पीस कर नहीं रखी हूँ, और कल सुबह सोचती हूँ इलायची पीस के रख लूँ, और कभी भी काम पड़ता है तो चाय में या ऐसे कुछ बनाओ तो डाल दें, तो बस ऐसे बार बार इलायची कूटने में अच्छा नहीं लगता है, और मिक्सर में ऐसे पीस के रख लो तो अच्छा रहेगा, तो बस हमेशा मैं वैसे करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा चाशनी तैयार हो गया है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको डुबा डुबा के और फिर बाहर निकाल लूँगी लौंग लता को। और ये चाशनी जो है ना एकदम पतली नहीं है, थोड़ी सी चपचपी टाइप की है, जैसे कि खुरमा उरमा बनाते हैं ना वैसे ही चाशनी को बनाना है गाढ़ा, और इससे लौंग लता पे एक गाढ़ा सा चाशनी का कोट आ जाएगा तो अच्छा लगेगा। तैयारी हो गया है और अभी बज रहा है शाम का 8 साढ़े 8 हो रहा है, तो बस इसके बाद खाना बनाना है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको बना रही हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी, और साथ साथ में मैं सोच रही हूँ सब्ज़ी भी बनाती रहूँ, तो ये हो जाए उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो बस ऐसे ही काम होता है मेरा घर का। यहाँ पर देखिए तैयार हो गया है, और मैं बना करके उसके बाद मैं सोची आप लोगों को दिखा दूँ। तो यहाँ पर देखिए इसको निकाल ली हूँ, और जो ये चार बच्चा है उसको भी मैं डुबा करके और थोड़ी देर रखना है, उसके बाद बाहर निकाल लेना है। तो देखिए तैयार है लौंग लता, कलर भी अच्छा आया है, तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए, लौंग लता का पार्टी करते हैं। कैसा बना है प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसके किसके वहाँ मिलता है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हमको तो बहुत पसंद आता है, वैसे गरम गरम खाओ तो और अच्छा लगता है, लेकिन इसको इतना तो कोई खाएगा नहीं, तो डब्बा में बंद करके रख दूँगी, क्योंकि चींटी उटी भी लगने लगेगी, तो एयर टाइट डब्बा में बंद करके रख दूँगी। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं आ गई हूँ, चाय का बर्तन था और ये सब बर्तन निकला है, तो इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन एक बार में हो जाता है ना तो फिर दिक्कत होता है, और गर्मी इतना है कि काम करने का मन नहीं करता है, इसलिए मैं सोचती हूँ जितना काम हो है उतना थोड़ा थोड़ा करके निकालती रहूँ, एक बार ज़्यादा देर किचन में नहीं खड़ा रहती हूँ गर्मी की वजह से। बस इधर बर्तन साफ़ हो गया है, और मैं अब इसको लगा दूंगी, और यहाँ पर मैं आटा लगाऊंगी अब,
और रोटी और सब्जी मैं बनाऊंगी, और मैंगो है तो खाना हो जाएगा आज का रात का। तब तक मैं थोड़ा सा डब्बा वब्बा भी था तो उसको भी धुल ली हूँ, तो बस यही है। और किचन ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, तो इसलिए और ज़्यादा घुटन जैसे होता है गर्मी में। ऐसे ठंडी में तो अच्छा है यहाँ पर, लेकिन गर्मी में दिक्कत है। तो यहाँ पर देखिए मैं स्टैंड में बर्तन लगा ले रही हूँ, और स्टैंड में दीवार में लगाने के लिए बोलती रह गई लेकिन नहीं हुआ, तो मैं इससे स्लेब दो तरफ से है तो उसी पे मैं रखी हूँ। तो यहाँ पर मैं बर्तन लगा लेती हूँ, तो हो गया काम। और ये है इडली स्टैंड, इसको भी मैं रख दूँ। कल इडली बनाई थी शाम को, तो फिर धोकर रखी, थोड़ा सा सूख जाता है, तो फिर मैं इसको बंद करके ऊपर रख देती हूँ। और इडली उडली गर्मी में अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादा ऑयली नहीं खाना चाहिए गर्मी में, जितना प्लेन खाना हो उतना अच्छा रहता है। तो मैं पानी पी रही हूँ यहाँ पर, गर्मी की वजह से पानी भी, ऐसे मैं कल से भी पानी रखती हूँ लेकिन प्यास इतना लगा था कि मैं बोतल से ही पानी पी ले रही हूँ। और किचन भी साफ़ हो गया, नहीं तो चींटी लगने लगेगा। तो मीठा उठा अगर बनता है, चीनी का काम अगर होता है, तो फिर साफ़ कर लेती हूँ, कि थोड़ा सा भी अगर इधर उधर चीनी मिला तो चींटी का झुंड आ जाएगा। तो साफ़ सुफ करके किचन रखती हूँ। और यहाँ पर मेरा आटा भी लग गया है, तो चलिए मैं रोटी बना लेती हूँ, आप लोगों से बातें करती रहूँगी। नहीं तो और ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं अभी वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, और थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।